रात में के टाइम में सिर्फ 5 मिनट इसे अपने फेस पे लगाओ और खूबसूरत बेदाग स्किन पाओ। यानी कि अगर आपकी स्किन टोन 8 है तो 10 होने वाली है, अगर पिंपल्स के दाग है फेस पे तो पिंपल्स के दाग जाने वाले हैं, अगर आपको रिंकल्स की परेशानी है, झुर्रियों की परेशानी है तो सब जाने वाला है। तो सिर्फ 5 मिनट लगाओ और गोरी बेदाग स्किन पाओ। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर दें, बाजू में एक बेल आइकॉन होगा उसको भी क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बात कर लेते हैं आज के फेस पैक की। तो बहुत मुझे मैसेज आते हैं कि मैम मैं वर्किंग हूँ या फिर मुझे एक छोटा बेबी है और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं जो है अपने फेस के ऊपर ध्यान दूँ, या फिर मैं हाउसवाइफ हूँ लेकिन मुझे घर से ही टाइम नहीं मिलता जो मैं खुद के लिए स्किन पे ध्यान दूँ, तो मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई है। तो 5 मुझे मैसेज आते हैं मेरे, ऐसा कुछ करो कि मेरे स्किन पर से रिंकल्स की परेशानी दूर हो जाए, ऐसा कुछ बताओ मैम कि पिंपल्स के दाग चले जाएं, ऐसा कुछ बताओ मैम कि मेरे जो अंडर आई पफिनेस है वो ठीक हो जाए, ऐसा कुछ बताओ मैम कि मेरी स्किन ग्लोइंग हो जाए, और ऐसा कुछ बताओ मैम कि मेरी स्किन टोन अगर 8 है तो मेरा स्किन टोन 10 हो जाए। यानी कि जो मैं जैसी हूँ उससे मैं और भी खूबसूरत हो जाऊँ, ग्लोइंग हो जाऊँ, और जो भी आप समझते हो कर लो। स्किन खूबसूरत होना बहुत बड़ी बात होती है, सबकी इच्छा होती है कि स्किन खूबसूरत होना, लेकिन गोरा होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 10 लोगों के बीच में भी अगर कोई एक सांवला बैठा हो, अगर उसकी स्किन खूबसूरत है तो 10 गोरे के बीच में वो सांवले बहुत खूबसूरत दिखते हैं। गोरा सांवला की बात नहीं है, बात हो रही है कि खूबसूरत दिखना सबकी चाह होती है, चाहे वो गोरा हो या काला हो या सांवला हो, चाहे आपका स्किन टोन कोई भी हो, लेकिन खूबसूरत दिखना सब चाहते हैं कि मैं खूबसूरत दिखूं, सब चाहते हैं कि मैं अट्रैक्टिव दिखूं, और दिखना भी जरूरी है। तो बहुत सिंपल मैं बता रही हूँ जिसको अगर आप करते हो ना, टाइम नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस से आए हो थक के ना, चाय का कप लेकर के बैठे हो, चाय पीते पीते मीन्स चाय जब तक आपकी ठंडी हो रही है ना उस टाइम में ही आप ये कर लो, आपकी स्किन खूबसूरत हो जाएगी। बच्चे सो रहे हैं ना उस टाइम में आप इसे कर लो, आपकी स्किन खूबसूरत हो जाएगी। टीवी देखते देखते कर लो, आपकी स्किन खूबसूरत हो जाएगी। तो बहुत इजी और बहुत सिंपल रेमेडी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि इसको करना कैसे है। इसके लिए मैं लूंगी एलोवेरा। ये एलोवेरा एक्चुअली फ्रिज के अंदर रखी थी तो ये थोड़ा सा ब्लैक हो गया है, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ। आप सबको पता है कि एलोवेरा को कैसे काटते हैं, काटने के बाद जो नीचे का जो वो जो येलोइश जो निकलता है, पीला जैसा निकलता है, वो पार्ट आपको नहीं लेना है, बाकी सब पार्ट को ले लेना है। तो मैं क्या करूँगी, तकरीबन इतना सा एलोवेरा ले रही हूँ और इसको मैं पहले कट करूँगी। कैसे, पीस से ऐसे करूँगी कट इसको, ये देखिए ये कट कर रही हूँ और ये मैं पूरा इसका इसके अंदर निकालती हूँ। ये एलोवेरा निकल चुका है, ये देखिए हो गया ना। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसके अंदर जो ऐड करने वाली हूँ, ये देखिए ये थोड़ा सा ऐसा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है बनाना और इसको स्किन के ऊपर लगाना। अभी इसके अंदर जो सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाली हूँ वो है हनी। अच्छा, मुझे क्योंकि लेमन है वो डायरेक्ट मेरे स्किन पे उतना सूट नहीं करता, ऐसा नहीं है कि वो मुझे रिएक्ट करता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो मुझे बहुत अच्छे से सूट कर जाए, क्योंकि मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है। तो जिनको लेमन सूट करता है वो आप इसके अंदर लेमन डाल सकते हो, यानी नींबू का जूस आप डाल सकते हो। तो अगर ये तकरीबन 2 स्पून के करीब में एलोवेरा जेल है, 2 चम्मच के करीब में एलोवेरा जेल है, तो आप नींबू क्या कर सकते हो, 3 से 4 ड्रॉप या फिर 1/2 स्पून, आप 1/2 चम्मच इसके अंदर नींबू का रस डाल सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, तकरीबन ये देखिए 1/2 स्पून के करीब में हनी है, मैं इसके अंदर हनी डालने वाली हूँ, क्योंकि हनी बेस्ट मॉइस्चराइजर है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन है तो फिर ये और भी बेस्ट है। तो ये हनी पूरा लेने वाली हूँ, थोड़ा भी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसके बाद जो थर्ड मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ वो है रोज़ वाटर, ठीक है। तो 1/2 स्पून अगर मैं हनी ली हूँ तो 1/2 स्पून के करीब में ही मैं रोज़ वाटर ले लूँगी।
इसको बना करके आप आराम से कंटेनर में, है ना, किसी भी कांच के कंटेनर में या प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो 3 to 4 days। डेली डेली आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, झमेला भी नहीं कि बाप रे डेली बनाना पड़ेगा, इतना टाइम का है मैम, फिर गोली फटाक से हो जाएगा और हो तो कुछ नहीं रहा है। अब जो इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ फोर्थ, वो है बेस्ट, आपके पिंपल्स के ऊपर काम करने वाला है, आपकी स्किन को रात में बस इसे करके सो लो और खूबसूरत स्किन पा लो। अब जो इसमें डालने वाली हूँ वो है कपूर, ये देखिए कपूर, ये टूट चुका है मेरा कपूर, कौन सा कपूर, ये जो जो पूजा में जो डालते हैं कपूर वो है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक कपूर इसके अंदर तोड़ रही हूँ मैं। अब ये क्या करूंगी मैं, इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी, बहुत ही अच्छे से एक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, या तो आप फिंगर के हेल्प से अपने पूरे फेस पे इसको लगा लो, या फिर कॉटन बॉल के हेल्प से, कॉटन के हेल्प से लगा सकते हो। मैं क्या करने वाली हूँ, इसको किसके साथ लगाने वाली हूँ, ये किसके, ये लेने वाली हूँ मैं ऐसे और इसको हटाने वाली हूँ। सिर्फ मसाज करना है इसे आपको अपने स्किन के ऊपर। अच्छा, अगर आप कपूर डालते हो इसके अंदर, तो कपूर फिंगर से अच्छे से क्रश नहीं होता है, तो आप क्या करें, एक ग्राइंडर के अंदर ये जो भी मैं आपको डाली हूँ ना, वो सबको एक ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लें अच्छे से। एक बार बस आप मिक्स करेंगे ना तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप अंडर आई भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन बहुत को कपूर सूट नहीं करता है, तो आप थोड़ा पैच टेस्ट करके देख लें, अगर आपको सूट करता है तब कपूर आप पूरे फेस पे लगाएं, क्योंकि कपूर बेस्ट व्हाइटनिंग के लिए माना जाता है। लेकिन आप पहले देख लें कि आपको सूट करता है कि नहीं, तब आप अंडर आई लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। अब ये पूरे फेस पे अच्छा। सुतापा जी, आप जो मुझसे पूछ रही थी ना, और गरिमा जी और नयन त्रिपाठी और चंचल शर्मा, बहुत सारे मैसेज मुझे आया थे कि आप मैम स्किन पर उस दिन क्या लगा के बैठे थे, यही लगा के बैठी थी मैं अपने स्किन के ऊपर। आप सबको मेरी स्किन बहुत अच्छी लगती है ना, क्योंकि मैं अपने स्किन का केयर करती हूँ, मैं कुछ भी करती रहूं लेकिन मैं केयर करती हूँ स्किन। अगर आप किसी को कुछ देते हो तो चाहते भी हो ना कि आपको कुछ मिले, तो वैसा ही है, आपको खूबसूरत स्किन चाहिए तो स्किन के लिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ चाहने से नहीं होगा ना कि मेरी स्किन अच्छी हो जाए, मेरी स्किन खूबसूरत हो जाए, थोड़ा हेल्प आपको उसका आपको थोड़ा ये करना। ये देखिए मैं अंडर आई लगा रही हूँ, लेकिन देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, ये देखिए ये अंडर आई लगा रही हूँ मैं, लेकिन ये आई पफिनेस के ऊपर बहुत काम करता है, बहुत अच्छा। जिन्हें कैटराइज की परेशानी है, एक चीज मैं बता देती हूँ, जिन्हें कैटराइज की परेशानी है, या फिर जो जो बहुत ज्यादा पावर का स्पेक्स वगैरह लगाते हैं, तो उनकी आंखें जो होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि आप कपूर जो है यूज ना करें। आप अगर कपूर यूज करते भी हैं तो अंडर आई उसको ना लगाएं, आप पूरे फेस पे लगाएं लेकिन आईज में ना लगाएं। मैं भी पावर का स्पेक्स यूज करती हूँ, मेरा भी पावर बहुत है, लेकिन मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा। अगर नेक ब्लैक है तो नेक के ऊपर भी आप लगा सकते हो, तो अब भी मैं नेक के ऊपर लगाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मुझे साड़ लेने जाना है। बहुत की ये काली होती है, ये काली होती है ना, तो आप इसके ऊपर भी लगा सकते हो। हैंड के ऊपर रिंकल्स आ गए हैं, हैंड के ऊपर आपको परेशानी है कि झुड़ियां आ गई हैं, दाने आ गए हैं हैंड के ऊपर, लगा सकते हो। टीवी देखते देखते लगा लो,
हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ बात करते करते लगा लो, जैसे मैं आपके साथ अभी बात कर रही हूँ और आज मैं टाइम देख रही हूँ क्योंकि मुझे 4 मिनट्स में वॉश कर लेना है। 4 मिनट्स देना है सिर्फ आपको, उससे ज्यादा नहीं। ये देखिए, मैं मोस्टली इसे तब लगाती हूँ जब मैं कुकिंग जब करते रहती हूँ, जब मैं अपने किचन में रहती हूँ उस टाइम में मैं इस फेस पैक को लगाती हूँ। आज का वीडियो भी लंबा हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाएगी, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कोई भी एक भी बात फालतू का नहीं करती हूँ जिससे आपको परेशानी हो कि मैम ने एक बात भी जो है ना फालतू की है। ये भी लगाएं तो नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं, ऊपर से नीचे की तरफ ना लगाएं। ये वीडियो आपके बहुत हेल्प करने वाला है तो प्लीज देखें। कपूर बेस्ट व्हाइटनिंग है, लेकिन अब आप लोगों का मुझे मैसेज आएगा कि मैम अगर मुझे कपूर सूट नहीं करता है तो मैं अब क्या करूं, कपूर के बदले में क्या लगाऊं। तो अगर कपूर सूट आपको नहीं करता है, क्योंकि ये तो बेस्ट स्किन व्हाइटनिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर पोटैटो जूस डाल दो। होठ काले हैं ना, होठ के ऊपर लगाओ। ये एरिया काला है, इस पे लगाओ। आपके स्किन से जुड़ी आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। बस डेली लगाना है आपको, ये नहीं कि 2 दिन लगाए 3 दिन लगाए और फिर बंद कर दिए। डेली लगाओ और देखो। जो भी बचा था इसके अंदर सब मेरे स्किन पे चला गया। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि 4 मिनट्स हो गए, अब मैं पहले फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद आपके साथ रिजल्ट शेयर करती हूँ। ये देखिए कैसा कलर आ गया। जब आप इसको 4 डेज 5 डेज तक स्टोर करके एक कांच के कंटेनर में रखते हो ना, तब ये और अच्छा इफेक्ट आएगा, कपूर पूरे अच्छे से ये हो जाता है। तो चलिए वॉश करती हूँ फिर रिजल्ट देखिए। अभी मीरा आपको बता रही है, अभी जस्ट कैसा लग रहा है मीरा? बहुत गोरा मीन्स रात में लगाओ और एकदम गोरा स्किन पाओ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे मैसेज है। पहले मैं मीरा को दे देती हूँ किसके साथ उसको लगाना है। इसके साथ ले लो, इसके साथ मीरा को दी हूँ और मीरा अपने स्किन पे लगाएगी। जाओ लगा के अच्छे से लगाओ। हाँ मैं बोलती हूँ आप डेली इसको करें, सिर्फ डेली करें, रात में टीवी देखते समय कुछ भी। अभी मैं ये सब वॉश नहीं की हूँ, बाद में वॉश करूंगी, नेक का भी वॉश नहीं की हूँ। मैं सिर्फ फेस वॉश करके आपको रिजल्ट अपने आप दिखला रही हूँ। मतलब बेदाग बोलते ना, वो स्पॉटलेस स्किन अगर चाहिए, स्पॉटलेस स्किन, वो ये जो मैं बताई हूँ आप करें और फिर मुझे मैसेज करें। सारा फेस पैक जितना मैं खुद का बनाई हूँ, सारा फेस पैक अलग, ये फेस पैक है अलग, ये मेरे देखें, ट्राई करें और फिर मेरे साथ रिजल्ट शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और भी अच्छा लगा हो तो अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।